वीरेंद्र सहवाग के कोच एएन शर्मा ने एनएनआईए स्पोर्ट्स को बताया कि मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत को खिलाना सबसे बड़ी गलती थी। उनकी जगह टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को खिलाना चाहिए था। इस वर्ल्ड कप में हमारा मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा क्योंकि सलामी बल्लेबाज एक महत्वपूर्ण मैच में रन नहीं बना पाए। देखिए, खेलने का मतलब ये नहीं था कि वो बॉलें वेस्ट करें, उनको रन बनाना चाहिए था। हार्दिक पांड्या को स्कोर करना चाहिए था जैसा वो हिटिंग के लिए मशहूर है। एक शॉट देखा कल हार्दिक पांड्या का, ये बता दीजिए। ऋषभ पंत पता नहीं ज़बरदस्ती बुला के, इससे तो मयंक अग्रवाल मच बेटर था जो मैच को चलाता तो रहता। इसके बस की चलाना नहीं है। ये पता नहीं सेलेक्टर्स के गुड विशेस में कैसे आ गए हैं। और मैं तो कहूँगा ये हम एक्सपोज हो गए अब कि कितना हमारी टीम एक्सपोज हो चुकी है कि कहाँ मिडिल ऑर्डर तो आप मान के चलिए टोटल फ्लॉप है। ओपनर्स ने मैचेस में रन दिए हैं हमारे को, इस मैच में फ्लॉप हो गए धोनी, ये कोहली भी फ्लॉप हो गया, तो मिडिल ऑर्डर से मैच संभाला नहीं गया तो वहीं पे मैच खत्म हो गया। देखिए, हमारा मिडिल ऑर्डर इस वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहा है और दूसरा फ्लॉप का कारण यह है कि वो बॉल टू बॉल नहीं चल रहे। हमारा मिडिल ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जो बॉल टू बॉल मैच को निकाल सके। आप किसी भी मैच में देखिए, अगर ओपनर शुरू के फ्लॉप हो गए हैं, अगर 3 विकेट गिर गए हैं, तो मिडिल ऑर्डर कहीं चला नहीं है, ना उन्होंने रन टू रन विकेट दिए, मतलब रन टू रन मैच बॉल के बॉल रन और बॉल के बराबर वो मैच को नहीं चला सके। कल भी ऐसा ही हुआ। हालांकि 240 कोई टारगेट देखने में सुनने में बड़ा नहीं है, पर ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा टारगेट हो गया, 350-400 का टारगेट है उसका। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपीट करूँगा, नंबर वन हमारा टू मच डिफेंसिव होना, नंबर दो मिडिल ऑर्डर का टोटली फ्लॉप होना, नंबर तीन धोनी और जडेजा को अटैक जो शुरू करना था 4 या 5 ओवर पहले शुरू करना था, जिससे कि बाद के बैट्समैन हालांकि बैट्समैन उसके बाद हमारे पास बचे नहीं थे, क्योंकि आप भुवनेश्वर से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रन बना देगा, शम्मी से उम्मीद नहीं कर सकते, पर अगर उनके पास बॉलें कुछ खेलने के लिए हैं तब तो उम्मीद कर सकते हो। जब ओवर की 5 बॉल रह गई, आप 19 रन पे उम्मीद कर रहे हो बना दें, तो दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।